हेलो एवरीवन, आईआईटी एंड ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन की जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में, और साथ में यहाँ पे इंडिया की जो इन्फ्लेशन के डेटा हैं वो जारी हो गए हैं, और इसके साथ में यहाँ पे ऑटो सेक्टर से रिलेटेड बड़ी खबर है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो आपको देखना है, स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है और आपको वहां पे अपने सवाल पूछने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि हमने चैट सेक्शन भी वहां पे ओपन करके रखा हुआ है। आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके थ्रू जाकर के डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है जो कि मार्केट का मूड यहाँ पे अच्छा कर सकती है, वो जो न्यूज़ है वो है अभी आई है, ठीक है। अभी यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हो 17:30 यानी कि 5:30 पे, ये वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी टाइम पे 5:35 पे, और अभी न्यूज़ आ चुकी है कि इंडिया का इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्ट किया गया था 7% का, ठीक है, 7% का किया गया था, 7.44% आया था, ठीक है, पिछले बार अगस्त का, ठीक है, लेकिन अभी ये 6.83 आ चुका है, जो कि एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छा कंट्रोल हुआ है इन्फ्लेशन के ऊपर। तो ये जो खबर आई है वो एक अच्छी है मार्केट के लिहाज से। इससे क्या होगा कि आरबीआई गवर्नर साहब हैं वो इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के अंदर काफ़ी अच्छी यहाँ पे इनसाइट ले सकेंगे, और इंटरेस्ट रेट अगर ये इसी प्रकार से कंट्रोल होती रही तो इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर है, अच्छी खबर है, ध्यान रखना। इसके बाद में एक जो न्यूज़ है वो कल आएगी, सेम जो इन्फ्लेशन का डेटा है यूएस का, अमेरिका का डेटा आएगा, लेकिन वो 13 सितंबर को कल आएगा, और कल वो 6 बजे के करीबन आएगा, तब मैं वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिटेल्स की कैसा आया है वहाँ का भी, तो कल के लिए भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कल ये जो डेटा आएगा उससे पहले हमारा मार्केट है वो क्लोज हो जाएगा, और आज ये डेटा आया है, अभी आ गया है, इसका इम्पैक्ट है वो कल अपने मार्केट के ऊपर पड़ेगा, जरूर से जरूर पड़ेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है मार्केट के अंदर, तो ये जो न्यूज़ है वापस मार्केट को ऊपर उठा सकती है, ध्यान रखना। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में गिरावट हो रही थी, लेकिन अचानक से ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत तेजी से गिरावट हो गई, फिर वहां से वापस भी थोड़ा सा रिकवरी किया, क्यों हुआ ऐसा, तो आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री जी, दोनों को मिलाकर के एक यहाँ पे इवेंट था, और उस इवेंट के अंदर जो सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, वो भी चले गए थे, या उनका भी कुछ वहां पे प्रोग्राम होगा, तो उन्होंने वहां पे ये कहा, ये एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे ये कहा कि ये डीजल और पेट्रोल की, जो भी डीजल के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं उनके ऊपर 10% जीएसटी बढ़ाने की बात करेंगे, या ये फाइनेंस मिनिस्टर को बोलेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि उनके ऊपर क्या हो, जीएसटी बढ़ा दे 10%। तो जब ये न्यूज़ आई ना मार्केट के अंदर, तो मार्केट है वो गिर गया, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट गिरा हुआ था, लेकिन ऑटो सेक्टर है वो गिर गया, और ऑटो सेक्टर यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, वो भी यहाँ पे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे पता लगा कि इन्होंने ट्वीट करके भी डाला, ठीक है, जो नितिन गडकरी साहब हैं उन्होंने खुद ने ट्वीट करके भी डाला, मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको कि यहाँ पे ये जो न्यूज़ आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे इन्होंने क्लेरिफाई किया कि हमारी या सरकार की अभी 10% जो जीएसटी है वो डीजल व्हीकल के ऊपर बढ़ाने की कोई भी यहाँ पे प्लानिंग नहीं चल रही है, यहाँ पे 2070 तक कार्बन नेट जीरो का प्लानिंग है, तो अभी यहाँ पे हम कमिटमेंट नहीं करने वाले हैं कि ये 10% इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये क्लेरिफिकेशन दिया जीएसटी बढ़ाने की मांग को लेकर के, क्या किया इन्होंने कि हम अभी यहाँ पे कोई मांग नहीं कर रहे हैं, ये जो न्यूज़ चल रही है उनका खंडन भी किया इन्होंने। तो ये न्यूज़ थी, मैंने आपको क्लियर कर दी। इसी के साथ में यहाँ पे इवेंट के अंदर इन्होंने और भी चीज़ें बोली कि ईवी और रिन्यूएबल पर शिफ्ट होने का सबसे सही टाइम है ये। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इंडिया को शिफ्ट होने का सबसे सही टाइम है, यहाँ से ग्रोथ करने वाला है। तो इस चीज़ से इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो कंपनियाँ काम कर रही हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, हाइड्रोजन जो व्हीकल हैं उनके ऊपर भी आप फोकस कीजिएगा, पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें तो यहाँ पे आ गई हैं, तो ये एक नई चीज़ हो गई कि पेट्रोल डीजल के अंदर तो यहाँ पे एथेनॉल है वो ब्लेंडिंग कर ही रहे थे, ठीक है, 20%। अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि एलपीजी के अंदर भी मेथनॉल है उसका ब्लेंडिंग होना चाहिए, अगर मेथनॉल भी ब्लेंडिंग होती है एलपीजी के अंदर तो एलपीजी का जो दाम है वो 100 रुपीज से कम हो जाएगा। तो वो तो एक अलग चीज है, छोड़िए उसको, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनके ऊपर फोकस करके रखना है।
अब यहाँ पे पोर्ट के साथ सभी रोड को जोड़ रहे हैं, इसमें एक्सपोर्ट आसान होगा, लगातार सड़कों की स्थिति में सुधार हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि पोर्ट और रोड का कितना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंफ्रा डेवलप हो रहा है, तो जो भी पोर्ट से रिलेटेड कंपनियां हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है, रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर कंपनियां हैं या इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि यहां से आउटलुक आपको दिख रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर उनके पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं होगी, गवर्नमेंट पूरे प्रॉपर उनको मौके दे रही है, पूरे ऑर्डर्स दे रही है, पूरे डेवलपमेंट के चांस दे रही है और डेवलप करवा रही है, तो यहां पे आपका विजन होना चाहिए कि ये छोटी मोटी गिरावट से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपका जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है कम से कम उसको तो आपको रखना ही रखना है। अब ये दोनों न्यूज मैंने आपको बता दी है। फोर्थ जो न्यूज है वो है चीनी सेक्टर को लेकर के, चीनी पर सख्ती की तैयारी, सरकार ने सभी शुगर कंपनियों से मांगा बिक्री का पूरा ब्यौरा, तो ये एक न्यूज है कि मार्केट के अंदर चीनी के यहाँ पे शुगर के हैं वो भाव बढ़ गए थे, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत सारी ऐसे करते हैं कंपनियां या फिर बहुत सारे आप मंडियों के अंदर देखोगे तो वहां पे क्या करते हैं, स्टॉक को यहाँ पे एक साथ मतलब रख लेते हैं और उसको मार्केट के अंदर नहीं डालते ताकि उसकी प्राइस है वो बढ़ जाए, उसको बोलते हैं गोरख धंधा या काला, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही कुछ होता है कि जब्त करना उसको चीनी को और फिर बाद में जब मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ जाए तब वो निकालना, तो वो एक होता है कि उसको बड़ा वो एक बहुत सारे मंडी के अंदर करते हैं, बहुत सारी कंपनियां भी करती हैं, तो उनका डिटेल मांगा गया है गवर्नमेंट के थ्रू ताकि गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सके कि किस कंपनी के पास कितना स्टॉक है, कहाँ पे यहाँ पे कितनी बिक्री हुई है, किस प्रकार से स्टॉक निकला गया है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये एक जो चीनी सेक्टर की कंपनियों के लिए है वो एक अच्छी न्यूज़ भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो बिक्री है उसको भी कम करने का ये हो सकता है कि क्योंकि कंपनियां हैं वो तो बना करके दे रही हैं लेकिन जो मिडिल की चेन है वो क्या कर रही है, उसको यहाँ पे जो प्राइस है उसको बढ़ाने का काम कर देती है, स्टॉक को यहाँ पे स्टॉक में रख करके चीनी को काफी ज्यादा स्टोर करके, तो ये एक न्यूज हो गई। इसके बाद में L&T ने क्या कर दिया है, 3,000 रुपए का जो यहाँ पे बाईबैक का प्राइस था उसको 3,200 रुपए कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं या कंपनी है वो खुद अपनी कंपनी के अंदर ग्रोथ देख रही है, और आपको पता होना चाहिए कि एकमात्र इंडिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी आपको ढूंढना है जो हर एक सेक्टर में काम करती है और बहुत अच्छी कंपनी हो, आप चाहे किसी भी इंफ्रा किसी भी इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर देख लो या कोई भी चीज़ बनाने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाने का काम हो, तो जो कंपनी आपको सभी कंपनियों का एक बंडल के जैसे काम करे वो कंपनी है L&T, तो ये कंपनी आप यूज़ कर सकते हो या अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। इसके बाद में आपको एक न्यूज में आपको अभी बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर यहां पे इंडिया के अंदर छोड़िए थोड़ा सा वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, लेकिन जो एप्पल कंपनी है उसका आईफोन 15 है वो लॉन्च होने वाला है और आज रात में 10:30 बजे वो लॉन्च होगा, ठीक है, ये चीज हो गई। लेकिन इससे क्या अपने को क्या बेनिफिट हुआ, अपने को ये बेनिफिट हुआ कि अब पहले क्या होता था कि जो चाइना के अंदर चाइना मेड मोबाइल आईफोन है वो यहाँ पे क्या होते थे लॉन्च होते थे या जो आईफोन है उनके ऊपर लिखा था मेड इन चाइना, पहली बार किसी आईफोन के ऊपर अब जो आज लॉन्च होने वाला है आईफोन 15 उसके ऊपर मेड इन इंडिया वो लिखा हुआ आपको दिखने वाला है। जो ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी है उसका जो तमिलनाडु के अंदर प्लांट है एप्पल के आईफोन बनाने का वहाँ पे काम शुरू हो चुका है और वहाँ से ये प्रोडक्शन यहाँ पे होने वाला है, फोन है वो यहाँ पे लॉन्च होते ही बिक्री भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी, असेंबलिंग है वो भी इंडिया के अंदर ही होगी और तुरंत लॉन्च के बाद में ही है वो असेंबल किए हुए फोन है वो मिलने लगेंगे, तो ये एक चीज़ है। अब इससे आपको पता होना चाहिए कि कितनी तेजी से है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कितनी तेजी से इंडिया के अंदर कंपनियों के प्लांट्स हैं वो डिजाइन हो रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी ऐसे ही कंपनियों को ऑर्डर्स भी मिलेंगे, जो कंपनियां हैं जो यहां पे डेवलप करेंगी अपना जो कैपेक्स है वो करेंगी और यहां पे ग्रोथ भी अच्छी होने वाली है, तो ये चीज़ से एक आपको पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया किस प्रकार से, जैसे आप एप्पल कंपनी को देखोगे तो एप्पल कंपनी ही चाइना को छोड़ करके इंडिया के अंदर फोकस कर रही है, ठीक है, तो ऐसे ही आप देखोगे कि और कंपनियां भी हैं वो भी करने वाली हैं और वो कर भी रही हैं, तो कंपनियों के अंदर इंडिया के अंदर और भारत की ग्रोथ स्टोरी के अंदर आपको क्या करना है, बिलीव करना है और आपको अपना जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है वो भी बनाना है, स्विंग का जो मीडियम लॉन्ग टर्म है वो भी आपको बनाना है और ट्रेडिंग आपको करते ही रहना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको दी गई वो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे इंटर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।